हेलो फ्रेंड, मैं अरशद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हमने देखा बेसिक कैलकुलेशन पार्ट से कुछ बेहतरीन से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लिकेशन का, और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जहां से मैं ख़त्म करूंगा वहीं से शुरू करने वाला हूं, क्योंकि उसमें कुछ और ट्रिक बताने के लिए मैंने कहा था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था जहाँ पे मैंने एंड किया था कि ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो, जिसके यूनिट प्लेस में क्या हो, 5 हो, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि जब नंबर्स बड़ा हो जाए तो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने कहा था कि उसको और भी तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोग किस तरह से बना सकते हैं, वो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने एक बताया था आप लोगों को कि 115 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर 145 का स्क्वायर क्या होगा, 185 का स्क्वायर क्या होगा। इसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट और छोटे छोटे नंबर का तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि अगर जैसे कि 85 का स्क्वायर निकालना है या फिर 75 का स्क्वायर निकालना है, ऐसे नंबर का स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं। देखिए नॉर्मली क्या करना था कि इसको क्या करना है हमें कि 1 इंक्रीज कर देना है। देखिए सबसे पहला चीज ये माइंडसेट रखना होगा आपको कि अगर यूनिट प्लेस में 5 है, अगर यूनिट प्लेस पे 5 है और अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 आएगा ही आएगा, चाहे कोई सा भी। देखिए यूनिट प्लेस में 5 है, इसका स्क्वायर निकालना है, आंसर में लास्ट में 25 होगा ही। सभी के यूनिट प्लेस में आप देख रहे होंगे कि 5 है, आंसर में 25 आएगा ही आएगा। सिर्फ पहले क्या आएगा आपको ये कैलकुलेट करना है। तो पहले वाला नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि इसको 1 इंक्रीज कीजिए, यानी 9, और 9 को इससे गुना कर दीजिए, यानी 9 8 कितना हो जाएगा 72। यहाँ 7 है तो 7 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से, तो 7 8 जा 56। लेकिन बड़े नंबर में कंफ्यूजन हो जाता है कि बड़े नंबर को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना है 11 × 12, इसको अब यहाँ पे क्या अप्रोच लगाया जाए कि एकदम आसानी से बन जाए। देखिए 12 का टेबल अगर हम 10 बार पढ़ें, टेबल पढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर 12 का टेबल 4 टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब कि 12 4 टाइम ले रहे हैं, 12 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ रहे हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 को 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 4 बार जोड़ना है। अगर 12 का टेबल 5 बार पढ़ना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 प्लस 12 इस तरह से करके 5 बार 12 को जोड़ना है, यही तो टेबल है आपका। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि 12 का टेबल, अगर हम इसको ये बोले कि 12 का टेबल 11 टाइम्स पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 का टेबल 12 करके 11 बार जोड़ना है, यही तो मतलब हुआ। तो देखिए यही अप्रोच हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे, देखिए क्या करना है कि 12 का टेबल 11 बार पढ़ने में थोड़ा मुश्किल अगर हो रहा है तो 12 का टेबल 10 बार पढ़ लीजिए, 12 का टेबल 10 बार पढ़ लीजिए, ये तो आसान है ना। कोई भी टेबल 10 टाइम्स पढ़ना, एक जीरो लगा देना है, 12 दहा कितना हो जाएगा तो 120, ये तो आसान है ना। 12 का टेबल 10 बार पढ़ने का मतलब क्या हुआ, 12 का टेबल 10 बार पढ़ने का ये मतलब हुआ कि 12 12 करके आप 10 बार जोड़ चुके हैं, आपको कितना बार जोड़ना था 11 बार, तो चलिए 10 ही बार आप जोड़ें, 120 आया, 120 आया, और एक 12 अभी जोड़ना बाकी है ना, तो 120 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 132, और लास्ट में तो 25 होगा ही क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है आपका। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पर 185 का स्क्वायर निकालना है तो 185 के स्क्वायर में कौन सा लॉजिक लगाएंगे, यहां पे क्या करना है 18 गुना 19 करना है, लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, लास्ट में तो 25 आएगा ही। अब यहां पे कौन सा अप्रोच लगाया जाए, तो देखिए 18 का टेबल 10 बार पढ़ना आसान है, 18 दहा 180, आपको 19 बार पढ़ना है, चलिए और 10 बार पढ़ लीजिए, यानी और 10 बार ले लीजिए, तो 180 दुना कितना हो जाएगा 360। 11 गुना 20 करना तो आसान है, सॉरी 18 गुना 20 करना तो आसान है, तो 18 गुना 20 करेंगे तो 18 गुना 36 यानी 360 आपका आएगा। तो आपने यहां पे क्या किया, यहां पे 18 का पहाड़ा 19 बार का मतलब यह हुआ कि 18 18 करके आपको 19 बार जोड़ना था, लेकिन आपने कितना बार इस बार जोड़ दिया 20 बार, एक बार एक्स्ट्रा, 360 का मतलब क्या हुआ 18 गुना 36,
यानी 360, अगर 360 आपका आ रहा है, 20 बार आप गुना कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक बार आपने 18 को एक्स्ट्रा ले लिया है, यहाँ पे एक कम लिए थे तो एक बार 12 और जोड़ दिए, यहाँ पे क्या किए कि एक बार अधिक ले लिए, 18 का पाला सिर्फ 19 बार ही लेना था हमें, हमने ले लिया 20 बार यानी 360, तो एक 18 एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो जब एक 18 एक्स्ट्रा लिए हैं तो उसको लेस करना होगा, तो जब 20 बार लिए तो 360 आया, अब 360 में से क्या करना होगा, एक बार 18 को घटा दीजिए, तो 360 में से 18 घटाने में भी दिक्कत हो रहा है, तो पहले 10 घटाइए, 360 में से 10 जाएगा कितना होगा, तो पता चला 350, फिर 8 घटाइए, उसके बाद कितना पता चला कि 342। इस तरह से तोड़ तोड़ करके मैथ के साथ खेलना सीखिए, जितना मैथ के साथ खेलिएगा मैथ आपके साथ उतना ही कम खेलेगा, वरना एक बार मैथ अगर आपके साथ खेलना शुरू कर दे तो फिर सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि मैथ को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसको तोड़िए। बचपन से पढ़ते हुए हम लोग आए हैं कि जब कोई भी पार्ट बटा हुआ रहता है तो उसको तोड़ना आसान है, लेकिन जब एक साथ मिल जाता है तो उसको तोड़ना आसान नहीं है। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में है कि अगर कोई भी पार्ट एक साथ मिला हुआ है तो उसको जोड़ना घटाना गुना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो टूट जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, 18 का पहाड़ा 19 बार पढ़ना था, 20 बार पढ़ दिए, 360 आ गया, 360 में से फिर एक बार 18 को लेस करना है तो पहले तोड़ के लेस करेंगे, 10 लेस किए फिर 8 लेस किए, कितना आया, 342। क्लियर है? अब यहाँ पे ये पार्ट मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या करना है कि 14 गुना बढ़ा करके गुना करना है ना, लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, 14 गुना 15 करना है। यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं कि 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लिए तो 150 हो गया, चार बार और पढ़ लिए, लेकिन हमें ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये रूल जो मैंने अभी आपको बताया ये वहीं पे अप्लाई करना है जब जीरो वाले नंबर के करीब वाला संख्या को गुना करना है। जैसे यहाँ पे 11 10 के करीब है, जीरो वाले नंबर के करीब है, 18 गुना 19 को देख रहे हैं कि ये 20 के करीब है, जीरो वाले नंबर के करीब है, ऐसे नंबर्स में ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। लेकिन एक और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 15 गुना 14 करना है या 14 गुना 15 करना है। मैं आपसे पूछता हूँ, 15 गुना 14 सॉल्व करना आसान है या 30 गुना 7? 15 गुना 14 को गुना करने में ज्यादा आसान है या फिर 30 गुना 7 30 × 7, ये दोनों में से कौन आसान है? तो पता, ये कोई भी बोल सकता है कि ये दोनों को गुना करना आसान है, क्योंकि 7 × 3 कितना होता है 21, एक जीरो का एक जीरो बैठा दिए, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 15 गुना 14 करना ही नहीं है आपको, यहाँ पे आपको 15 × 14 करना ही नहीं है। अब ये कैसे हम अप्लाई किए, देखिए ये सिर्फ स्पेशली 14 × 15 में अप्लाई करने के लिए नहीं है, ये हर वो संख्या के लिए है, ये हर वो संख्या के लिए है जो जिसको हाफ किया जा सकता है, एक कोई भी दोनों में से कोई एक को, तो क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन इजी हो जाता है। मतलब ये कि जब भी कोई भी दो संख्या को गुना करना है, किसी भी दो संख्या को आपस में गुना करना है, तो इसका आंसर वही आएगा जो एक संख्या को डबल कर दीजिए और दूसरे को हाफ कर दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, 15 को डबल कर दिया, कितना हो गया 13, उसके बाद 14 को हाफ करना पड़ गया। एक को जब हम डबल कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करना होगा, हाफ। अगर इसको डबल करते तो इसको हाफ करना पड़ता, तब भी आंसर आ जाता। इसको डबल करेंगे 28, इसको अगर हम हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 7.5। लेकिन ये मल्टीप्लाई करना और भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान में ये रखना होगा कि कौन सा पार्ट डबल करने से जीरो हो सकता है या कौन सा पार्ट को हाफ करने से पॉइंट में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे नॉर्मली ये था, यहाँ आपको 15 × 14 करना था, तो आपको 15 × 14 ऐसे क्वेश्चन में दिखना ही नहीं चाहिए। तुरंत वहाँ पे आपका माइंड ये काम करेगा कि हमें 15 × 14 नहीं करना है, हमें 30 × 7 करना है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो 30 × 7 कितना हो जाएगा, 210, लास्ट में तो 25 आएगा ही। ये मेथड हर जगह स्पेशली परसेंटेज में बहुत काम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर कहीं पे दिया गया है
कि 225 का 225 का 48% अगर आपको निकालना है, 225 का 48% निकालना है, झट से हम लोग सॉल्व करने लग जाते हैं। क्या कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं कि 225 का मतलब होता है गुना 48, जब परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। लेकिन इतना नहीं करना था, ये माइंड में कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है। आइए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आंसर में आपको कोई दिक्कत ना हो। 25 से 9 टाइम्स में, 25 से 9 टाइम्स में 4 से, आंसर कितना आ गया आपका? 108। आंसर कितना आया? 108। लेकिन देखिए ये जो क्वेश्चन है ये माइंड में सॉल्व किया जा सकता है ये मेथड अप्लाई करके। देखिए आपको सॉल्व करना है 25, यहां पे क्या करना है कि 48% ऑफ 25, 225 का 48%। तो जब भी परसेंट निकालना है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि जब परसेंट निकालना है तो ये दोनों को आपस में गुना करना है, ये दोनों को आपस में गुना करना है और 100 से डिवाइड कर देना है। ये माइंड में कैसे सॉल्व हो सकता है? तुरंत माइंड में आया कि क्यों ना इसको डबल कर दिया, दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है। और अभी अभी हमने आपसे कहा कि जब भी दो संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो एक को हाफ कर दीजिए और दूसरे को डबल कर दीजिए, या एक को, या पहले को डबल कर दीजिए दूसरे को हाफ कर दीजिए, आपका आंसर वही आएगा। जब आंसर वही आएगा तो क्यों ना इसको अप्लाई किया जाए। जब अप्लाई करने से माइंड में सॉल्व हो सकता है तो क्यों ना अप्लाई किया जाए, हम क्यों इस चक्कर में पड़ेंगे। तो यहाँ पे कैसे, किस तरह से अप्लाई होगा आपका? तो 225 को हमने डबल करने का सोचा, तो 225 को डबल किए कितना आ गया? 225 डबल किए तो 450। तो इसको जब डबल कर रहे हैं तो इसको आधा करना होगा ना, इसको आधा करना होगा कि नहीं? 24। अब गुना करके 100 से भाग कर दीजिए। अच्छा अभी भी दिक्कत लग रहा है? कोई बात नहीं, अभी भी दिक्कत लग रहा है तो एक बार फिर से इसको डबल कर देते हैं। एक बार फिर से इसको डबल किए तो कितना हो गया? 900। 450 को डबल करेंगे तो कितना आएगा? 900। जब इसको डबल कर रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? फिर से हाफ करना पड़ेगा। अब तो ठीक हो गया। और आपको पता है कि इसको नीचे में 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से जब डिवाइड करना है तो ये दो जीरो तो आपका कटने वाला है, यानी बच गया कितना? 108। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये बहुत अप्लाई होगा। तो इसीलिए इतना माइंडसेट रखिएगा कि जब भी ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसको डबल करने से जीरो वाला पार्ट आ रहा है, तो डबल और हाफ का कॉन्सेप्ट हम लोग जरूर लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, ये माइंडसेट रखिए। एक और बात कि कभी कभी माइंड में ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, माइंड में क्या सेट होता है कि अचानक से कौन सा ट्रिक अप्लाई किया जाए ये माइंड में नहीं आता है। बात सही है, एग्जामिनेशन मैंने भी कभी दिया है, सिलेक्शन बाद में लिया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन बहुत पहले हमने दिया। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि कब कौन सा ट्रिक लगाया जाए ये पता नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे माइंड आपका ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, ये नेचुरल है। अचानक से माइंड में आ जाएगा कि यही ट्रिक काम करना है, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आप सभी लोगों में से परसेंटेज लोगों को, ज्यादातर लोगों को बाइक चलाने आता होगा। अब जब बाइक चलाने आता है तो डायरेक्ट तो नहीं आ गया होगा, किसी ने तो आपको सिखाया होगा। तो जिसने आपको सिखाया था उसने क्या कहा था कि स्पीड कम हो तो गियर को कम कीजिए, कोई आ जाए तो ब्रेक मार दीजिए, यही सब ना। तो स्टार्टिंग में जब आप लोग चलाते थे तो क्या होता था, बाइक जब आप लोग सीखे थे हल्का सा, फर्स्ट स्टेज पे जब आप लोग पहुंचे तो जब अपने से बाइक चलाना सीखे तो कभी कभी गियर पे नजर भी चला जाता था। अब क्या करें, वहां पे थोड़ा सा सोचने का जरूरत पड़ता था। लेकिन जब आप 5 महीना 6 महीना कंटिन्यू ड्राइव कर लेते हैं तब क्या सोचने का जरूरत पड़ता है? ऑटोमेटिक आपका माइंड करता काम करता है, यहां तक कि नजर भी गियर पे और ब्रेक पे नहीं जाता है। ऑटोमेटिक आपका क्या होता है कि पैर आगे पीछे होते रहता है, कभी गियर कम हो या ज्यादा करना हो, ये नेचुरल है। ये माइंड अगर उसको आप प्रैक्टिस, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाइक को आप चलाने का बराबर प्रैक्टिस किए, कंटिन्यू बाइक्स को चलाएं। ठीक उसी तरह से अगर मैथ्स में भी आप कंटिन्यू इसको रिवाइज करते रहते हैं तो आपका माइंड अपने आप काम करने लगेगा। क्लियर है?
तो चलिए ये तो हो गया ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो, यानी ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो और दोनों नंबर इक्वल हो। दोनों नंबर इक्वल मतलब 115 का स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 115 गुना 115 दोनों को यूनिट प्लेस में क्या है 5 है और दोनों नंबर इक्वल है। लेकिन यूनिट प्लेस में 5 हो और दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो ऐसे नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम लोग ये देखने वाले। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसे नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर इसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं आप लोग देखिए, घबराइए मत, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा। जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे ना, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे इसके बाद मैं सिंप्लीफिकेशन ही स्टार्ट कर दूंगा। ये सिर्फ बेसिक है कि किस तरह से हम लोग शॉर्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में ये सब चीज़ रिपीट होते रहेगा। बाकी जो थियोरटिकल पार्ट है वो मैं ज़रूर लिखवाऊंगा आपको, इसमें से अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लगता है तो आप लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो और दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है, ऐसे नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 35 × 75, दोनों के यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, दोनों के यूनिट प्लेस में 5 है लेकिन दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है। जैसे उसमें करते थे वैसे इसमें भी करना है। अगर यही यहाँ पे होता कि 35 का स्क्वायर निकालना है तो हमने क्या कहा था कि इसमें से एक बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3×4 = 12, एक बढ़ा के गुना किए तो 3×4 कितना हो गया 12 और लास्ट में 25 आएगा, मैंने यही कहा था ना। दरअसल इसमें से मैंने कुछ स्टेप मिस किया था और वो मिसिंग मैंने इसलिए किया था कि इसका ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, बिना वो स्टेप फॉलो किए हुए आंसर आ रहा है। अगर इसको स्टेप से बनाते हैं तो किस तरह से बनता, तो 35 × 35 और मैंने कहा था इसी में से एक को बढ़ा दीजिए। दरअसल बात ये था कि इसमें से एक को नहीं बढ़ाना था, इसमें से एक नहीं बढ़ाना है, इन दोनों में से किसी एक में से एक को 1 इंक्रीज करना है, यानी ये कितना हो गया 4। अब हम लोग 3×4 = 12 करते थे और लास्ट में 5×5 = 25 करते थे, ये होता था इसका सॉल्व। इन दोनों 3 में से कोई एक बढ़ रहा था, एक को बढ़ाना था, जब उसको एक बढ़ाते हैं तो मेरा आंसर आता है। एक और स्टेप है जिसका तो एकदम जरूरत नहीं है इसमें, इसलिए चूंकि डायरेक्ट आंसर आ रहा है वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहां पे भी 5 के जगह पे तो 25 आएगा, 5 के जगह पे तो 25 आपका आने ही वाला है, लेकिन ये दोनों में से किसी एक में, ये जो 3 और 7 है ये दोनों में से किसी एक में 1 इंक्रीज करना है। बट क्वेश्चन इज कि यहां पे 3 में 1 इंक्रीज करेंगे या 7 में। तो अगर आप 3 में भी 1 इंक्रीज करेंगे तब भी आंसर आएगा, 7 में भी इंक्रीज करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन जब आप छोटे वाले में 1 इंक्रीज करेंगे तो अगले स्टेप में आपको माइनस करना होगा, और जब बड़े वाले में 1 इंक्रीज करते हैं तो अगले स्टेप में आपको प्लस करना होगा। माइनस करना प्लस करना दोनों ही आसान है, लेकिन जब दोनों में से किसी एक को चुनना हो कि प्लस करने में ज़्यादा आसान है और माइनस या माइनस करने में, तो आपका जवाब यही होगा कि प्लस करना ज़्यादा आसान है। तो क्यों ना प्लस वाले कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पे जब प्लस वाला कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं तो हमेशा 1 इंक्रीज उसमें करेंगे जो बड़ा हो। बताइए 3 बड़ा है या 7, 3 बड़ा है या 7 बड़ा है, कोई भी बोल सकता है कि ये 7 बड़ा है, तो 7 में 1 इंक्रीज करेंगे यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 3 = 24। अभी एक स्टेप इसमें बाकी है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये तो अब सब कुछ वही किए जो इसमें किए थे,
इसमें अलग हमने क्या किया, इसमें वन इंक्रीज इसमें भी किए थे, दोनों को गुना किए थे, चार थी 12 और लास्ट में 25 आ गया था आपका। तो इसमें अलग क्या हुआ, कुछ भी तो अलग नहीं है। लेकिन जब दोनों पार्ट आपस में इक्वल नहीं है तो एक स्टेप इसमें और जाएगा। वो स्टेप क्या है कि जो दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, मतलब 3 और 7, ये दोनों नंबर्स में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, तो पता चला कि डिफरेंस कितने का है, तो 3 और 4 7, या 7 में से 3 को लेस करेंगे कितना आएगा, 4। तो यहां पे 4 का डिफरेंस है। तो जितने का डिफरेंस होगा उतने को 50 से हम गुना करेंगे, तो कितना हो गया 200, और ये 200 को इसमें जोड़ देंगे, अब जाकर के आपका आंसर आएगा। टेंशन मत लीजिए, माइंड में अभी चल रहा होगा आपको आपके कि इतना क्यों झंझट लेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। टेंशन मत लीजिए, माइंड में सॉल्व करने, ये सिर्फ स्टेप में बता रहा हूँ। इसको अप्लाई कैसे करेंगे एग्जामिनेशन में, माइंड किस तरह से सेट करना है वो मैं बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ स्टेप स्टेप पे ध्यान दीजिए। स्टेप मेरा क्या क्या बना कि जो बड़ा वाला संख्या है उसमें 1 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे आ गया मेरा 8, 8 को 3 से गुना कर देंगे, 8 3 24, लास्ट में 25 आएगा ही क्योंकि दोनों के यूनिट प्लेस में 5 है। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि 3 और 7 में कितना का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है, तो जितना का भी डिफरेंस होगा उसको 50 से गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप तो समझ में आ गया ना, मैं जान रहा हूं आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन घूम रहा है, मैं समझ रहा हूं अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये 50 कहां से आया, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये देखिए कि अगर इसका जो है स्टेप जो मैंने बताया वो समझ में आया ना, 1 ऐड किए, मल्टीप्लाई किए, देन डिफरेंस में 50 से मल्टीप्लाई करके 200 जो भी आया उसको हमने ऐड कर दिया यहाँ। अब जो आपके माइंड में चल रहा है कि ये 50 कहाँ से आया, इसका भी जवाब है, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अगर तोड़ करके लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। का मतलब क्या होता है, उतने को ही उतना से गुना करना। इसको जब सॉल्व किया तो ये आया। अच्छा एक बात बताइए, बचपन से ये फॉर्मूला हम लोग रटते हुए आए हैं, कभी आपने सोचा कि ये 2 कहां से आया, आपने कभी सोचा है कि ये 2 कहां से आया, ना सोचे थे और ना सोचे हैं। हो सकता है कुछ लोग सोचे होंगे, वो इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला हम और आप तब से पढ़ रहे हैं जब से सोचने का कैपेसिटी हमारे माइंड में इंक्रीज नहीं हुआ था, जब से हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करना ही नहीं सीखे थे, क्वेश्चन पूछना ही नहीं सीखे थे, उस समय ये फॉर्मूला रटवा दिया गया था। इसलिए माइंड में सेट है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसलिए कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, और आज चूंकि माइंड में इस तरह से ये फॉर्मूला सेट हो गया है कि अब सोचने से क्या फायदा, ये तो पूरा एकदम दिमाग में सेट है। देखिए फॉर्मूला का ये मतलब होता है कि यहां पे हमने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है। ये बराबर कैसे हुआ होगा कि ये दोनों को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को सॉल्व किया गया होगा, जब सॉल्व किया गया होगा तो इत्तेफाक कर लीजिए कि ये इतना आया होगा। जब इतना आया होगा इसलिए इसका फॉर्मूला ये बन गया। फॉर्मूला का मतलब होता है रिजल्ट, जब इसको सॉल्व किए होंगे तो रिजल्ट के रूप में आपको ये मिला, तो ये जो 2 मिला वो रिजल्ट के रूप में मिला। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ए बी में नहीं करेंगे तो दोनों इक्वल ही नहीं होगा, और जब दोनों इक्वल ही नहीं होगा तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। मतलब ये कि दोनों को इक्वल करने के लिए हमने, या फिर राइट आंसर लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या करें जब 2 से गुना नहीं करते हैं तो आंसर ही नहीं आता है, जब 2 से गुना नहीं करते हैं तो आंसर ही नहीं आता है, मजबूरी में हमें 2 से गुना करना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में जब तक आप 50 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर आएगा ही नहीं।
आपको 50 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। ये समझ लीजिए कि फॉर्मूला में जिस तरह से 2 यहाँ सेट है, उसी तरह से यहाँ ट्रिक में 50 सेट है। हर डिफरेंस नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी हमने किया था, यहाँ पे 1225 आया ना। अब ये दोनों में देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 0 का। 0 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसमें जब 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1225। यूनिट प्लेस में अगर 5 है तो डिफरेंस में 50 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। 50 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ये तो बात हो गया मेथड का। अब इतना लंबा चौड़ा मेथड हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह से माइंड में सॉल्व करेंगे, तो आइए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कोई और एग्जांपल के साथ। अगर यहां पे बात करते हैं कि 45 इंटू 85 इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए लास्ट में तो आपका 25 आएगा, लास्ट में 25 आ रहा है ना, तो लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। शुरुआत में क्या करना है, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, जो बड़ा वाला संख्या है उसमें एक बढ़ाइए, बड़े वाले संख्या। देखिए सबसे पहले चीज माइंड में आपको ये सेट करना होगा कि ये दोनों में डिफरेंस कितना है, ये दोनों में डिफरेंस कितना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है आपका कितना, तो ये दोनों में डिफरेंस है 4 का, क्योंकि 8 में से 4 को लेस करेंगे तो 4 आएगा, 4 का डिफरेंस है। अब 4 का डिफरेंस को आपको क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना है। 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे 4 को 50 से गुना करना है। तो 4 को 50 से गुना करने का मतलब, अगर आपसे बोला जाए कि 4 ठो आपके पास 50-50 का नोट है तो इसको गुना कीजिएगा। अगर आपके पास 4 पीस 50-50 का नोट है तो गुना करके देखेंगे कि मेरे पास 200 रुपया है। ये तो माइंड में होना चाहिए कि मेरे पास 200 रुपया है, यानी पहले ही माइंड में सेट कर लीजिए कि कितना और बढ़ने वाला है, और कितना बढ़ने वाला है, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें से 200 को बढ़ाने वाले हैं। यानी यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 8 में 1 इंक्रीज किए कितना आया, 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 3625, यानी 3625। जब ये वाला पार्ट को सॉल्व किए मेरा कितना आया, 3600। देखिए 9 चौके 36, लास्ट में 25 आएगा ही, तो 3625 कितना, 3625 200 और आ गया। देखिए 3600 100 और आया, 3700 100 और आ गया, 3800। तो 3600 और 200 कितना होता है, 3800। यहाँ 3625 ना लिख करके कितना लिख देंगे, 3825। बस ये तो करना था। एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई 95, दोनों को गुना करना है। वीडियो पॉज कीजिए और माइंड में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आइए मैं बताता हूं, एक बढ़ाएं, 9 में एक बढ़ाएं, 10 हो गया, 10 तिहाई 30, 3025 30 है ना, इधर 100 के रूप में, 100 के रूप में कितना आया, तो 3000 आया, 25 तो है ही, 100 के रूप में कितना आया, तो 3000 आया, 3000 आया। अब यहां पर देख रहे हैं तो बड़ा कितना है इससे, तो 6 50-50 का नोट है, मतलब 300 रुपया। तो इधर 3000 आया था, 3000 में 300 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3325। क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं एक और स्पेशल केस। ये आप शायद ये ट्रिक देख करके मुस्कुरा दें थोड़ा सा, क्योंकि आपने सोचा नहीं होगा कि इतना आसानी से, जिन्हें पता नहीं है, जो हमसे क्लास नहीं किए हुए हैं उनके लिए, कि इतना आसानी से कैसे बन सकता है। देखिए ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो एक तरफ कुछ भी हो और दूसरे तरफ 9 से बनने वाला नंबर है, ऐसे नंबर को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करें। देखिए अगर बात करते हैं, यहां पे कोई सा भी एक नंबर है 3642, इसको गुना करना है 999 से,
तो इसको किस तरह से गुना किया जा सकता है? टफ लग रहा होगा, एग्जामिनेशन में अचानक से आ जाएगा, क्या करेंगे हम लोग? 999 से गुना करेंगे? इतना समय है आपके पास, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेट किया है उसे अच्छी तरह से पता है कि आप कंपेटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, मीन्स आपको गुना करने आता है। उसको ये नहीं चेक करना है कि आपको गुना करने आता है या नहीं आता है, वो श्योर है कि आपको गुना करने आता है। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि विद इन गिवन टाइम आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिए गए समय में, कम से कम समय में इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना आसान है या घटाना आसान है? सिर्फ घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से आंसर आएगा? देखिए, ये जो संख्या आपको दिया गया है ना, इधर वाले संख्या को भूल जाइए, इसको आप नोट कर लीजिए, 3642। अब हम लोग देखते हैं कि यहां 9 कितना बार आया। दूसरे साइड में अब देख रहे हैं कितना बार 9 है, तो पता चला 3 बार 9 है। तो इसका सिर्फ यही रोल है, बाकी कोई रोल नहीं, सारा रोल इसका है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही रोल है कि यहाँ 9 का संख्या कितना है, मतलब 9 कितना बार आया, सिर्फ वही देखना है। इसका काम खत्म। 9 3 बार आया, इसके लिए 3 जीरो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जितना 9 रहेगा उतना बार जीरो पुट कर देंगे, और इसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 3642 को इसमें लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए लेस कीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 3, 6 3, गुना कीजिए, आंसर आता है क्या? क्या ये राइट आंसर है? ये तो सोचिए ही मत कि राइट आंसर नहीं होगा, मे बी घटाने में हो सकता है कुछ छूट जाए, वो अलग सा मैटर है। लेकिन ट्रिक यही है कि जितना 9 होगा उतना बार 0 पुट कीजिए और उसी नंबर को घटा दीजिए। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, 4625, इसको मल्टीप्लाई करना है 99 से, क्या करना होगा? इसमें 2 जीरो बैठाएंगे और इसको घटा देंगे। आइए 4625 में 2 जीरो बैठाएंगे और किसको घटाना है? इसको नहीं, इसी को वापस घटा दीजिए। 4625 घटाइए, कितना आ गया? 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 8, और यहाँ कितना बच गया आपका? 1 है, तो 11 में से 4 गया 7, 5 4, आंसर आ गया आपका। बताइए इससे आसान हो सकता है क्या? करना था गुना, हमने किया घटाओ और आंसर मेरा आ गया, तो क्यों मल्टीप्लाई करने जाएंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएगा आपका। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, उम्मीद करते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोग को बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हो सकता है किन्हीं को समझ में ना आया हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखें, या डाउट क्लास, क्योंकि हर चैप्टर के पास हर चैप्टर के बाद आप लोगों को डाउट क्लास मिलेगा हर चैप्टर के एंड में। तो जो भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आया है वो आप बताते जाएं हमें, ग्रुप में आप मैसेज कर दें, मैसेज करने के बाद आप बताएं कि ये पोर्शन समझ में नहीं आया है। बेसिक कैलकुलेशन का जब लास्ट लेक्चर होगा मेरा, उसमें यही होगा, डाउटी क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है ना? तो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि डाउट क्लास का फ़ायदा उठाएं आप लोग। अगर समझ में नहीं आया है तो फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, आपको सारी बात बताई जाएगी, पूरा क्वेश्चन बताया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि एक सबसे बेसिक कैलकुलेशन का सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो आगे का ट्रिक, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये इतना इम्पॉर्टेंट ट्रिक होगा आपके लिए जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि 997 मल्टीप्लाई 992 इक्वल टू क्या होगा, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा 997 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हर बुक वगैरह में, या शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपने क्या पढ़ा होगा इसके लिए कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना होगा आपको, और उसको ट्रिक बता दिया जाएगा। लेकिन क्या ये विद इन 10 सेकेंड सॉल्व करना पॉसिबल है?
10 सेकंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड या उससे भी कम, या क्वेश्चन देखें और आपका आंसर, आप आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। डायरेक्ट भी पूछा जाता है और कभी कभी डायरेक्ट नहीं भी आएगा, बीच में कहीं पे ऐसा नंबर गुना करने के लिए आ सकता है, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस बार मैं आपको ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जो या तो 100 के करीब हो, या 1000 के करीब हो, या 10,000 के करीब हो, एंड सो ऑन। ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो 100 के करीब हो, 100 से छोटा भी या 100 से बड़ा भी, जो 1000 के करीब हो, यानी 1000 से छोटा भी और 1000 से बड़ा भी, जस्ट आस पास का नंबर, मतलब 1000 से 25 कम या 25 ज्यादा, 24 कम या 24 ज्यादा, इस तरह से 10,000 से 25 कम या 25 ज्यादा मैक्सिमम, कम से कम कितना भी, 2 ज्यादा या 2 कम, 3 ज्यादा या 3 कम, ऐसे नंबर को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए इसके स्टेप को हम लोग सीखते हैं। पहले सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर वाला यकीन मानिए, इसको समझिएगा, ये मैं आपको गारंटी माइंड में सॉल्व करके बताऊंगा, ये मैं तो बताऊंगा ही, ये आपसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि आपको ये जरा सा भी ये माइंड में नहीं आने दूंगा कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ये माइंड में आप सॉल्व करेंगे, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए और वो अभी तुरंत इसको अप्लाई कीजिए। देखिए सबसे पहले इस स्टेप को सीखते हैं, ये दोनों को गुना करना है ना, ये दोनों को गुना करना है, यानी 997 को 992 से गुना करना है। पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 9 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 9 का टेबल पढ़ेंगे और जो आएगा उसको जोड़ देंगे, यही तो गुना है। है समय आपके पास इतना? अगर नहीं है तो आइए मैं बताता हूं, इतना तो समय जरूर होगा कि अगर माइंड में सॉल्व नहीं भी करना पड़े तब भी आपको, अगर माइंड में सॉल्व करने के लिए नहीं भी सीखेंगे आप, तब भी कम से कम समय में आप बना सकते हैं। लेकिन गारंटी है ये मेरा कि मैं आपको माइंड में सॉल्व करवा के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। पहले स्टेप को सीखते हैं, फिर हम लोग पहले ही जज्बात में नहीं आ जाएंगे कि नहीं हमें तो माइंड में ही सॉल्व करना है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। पहले हम लोग इसके स्टेप्स को सीखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको माइंड में भी सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें इस पे दो, इसको दो भाग में बांटना होगा और जो आंसर आएगा ये दो भाग में आएगा, जो इसका आंसर आएगा ये आपको दो भाग में आएगा। यहां पे दूसरा दूसरा माइंड में क्या सेट करना है कि ये किसके करीब है, ये 100 के करीब है या 1000 के करीब है या 10,000 के करीब है, तो ये 1000 के करीब है, यानी 1000 वाला कॉन्सेप्ट सभी का कॉन्सेप्ट सेम है। ये किसके करीब है, तो ये 1000 के करीब वाला दोनों संख्या है। अब जब 1000 के करीब है तो इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ यही करना है, ये इसमें आपका यही काम है कि जब 1000 के करीब वाला संख्या रहेगा तो मैंने कहा कि आंसर दो पार्ट में आएगा, तो जो इधर वाला पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट, इसमें कम से कम 3 संख्या हमको चाहिए। कभी कभी सॉल्व करेंगे तो 2 ही संख्या आएगा या 1 ही संख्या आएगा, तो उसको 0 बैठा के 3 संख्या के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पे हमें कितना संख्या चाहिए, तो यहां पे 3 संख्या चाहिए, इधर जो आएगा जस के तस वैसे ही लिख देना है। तो ये समझ गए ना कि दो स्टेप में आंसर आएगा, जिसमें इधर 3 यूनिट, 3 डिजिट होना कंपलसरी है, इधर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे 3 ही संख्या चाहिए, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। अगर ज्यादा हुआ तो इधर भेज देंगे और कम हुआ तो इधर से 0 ले लेंगे हम लोग। क्लियर है ना? आइए मैं अब आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये 997 चूंकि 1000 के करीब का ये नंबर है, तो 997 कितना से कम है, सॉरी 997 1000 से कितना कम है, 1000 के करीब है ना ये दोनों संख्या, तो ये 997 1000 से कितना करीब है या 1000 से कितना कम है, तो पता चला कि 3 कम है, इसलिए -3 कम है ना, ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा होता तो +3 लिखते हैं और कम है तो -3। ये 1000 से कितना कम है, 3 कम है, इसलिए -3।
ये 1000 से कितना कम है, तो 8 कम है, इसलिए माइनस 8। समझ गए ना? पहला स्टेप क्या था, दोनों हजार से हजार के करीब वाला संख्या है, तो ये हजार से कितना करीब है, 3 कम है, इसलिए माइनस 3 लिखे। ये हजार से कितना अधिक है, सॉरी कितना कम है, तो 8 कम है, इसलिए माइनस 8 लिख दिए। अब सिर्फ ये दोनों को गुना करेंगे हम लोग, सिर्फ ये दोनों को गुना करेंगे, सिर्फ ये दोनों को, तो 8 3 24, ये दोनों को गुना करेंगे, इधर वाला पार्ट 8 3 24। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि इधर टोटल संख्या कितना चाहिए, हजार के करीब है, तो टोटल कितना संख्या चाहिए, तो यहाँ पे टोटल मैंने कहा था कि इधर 3 डिजिट होना कंपलसरी है, लेकिन जब मल्टीप्लाई किए तो कितना नंबर्स आया, यहाँ पे कितना यूनिट आया, तो 2 ही यूनिट आया, तो इसलिए यहाँ पे अपने मर्जी से 0 बैठाएंगे। अगर 3 यूनिट आता तब 0 नहीं बैठाते, और अगर 1 ही यूनिट आता, यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 4 होता तो क्या करते, तो 2 0 बैठाते। यहाँ पे हमें 3 नंबर चाहिए ही चाहिए, 3 यूनिट चाहिए, 3 डिजिट होना कंपलसरी है, तो क्या किया हम कि 8 3 24 और 10 बैठा दिए 3 नंबर करने के लिए इसको। अब क्या करना है, अब गुना का काम खत्म हो गया। अब देखिए आपका आंसर आने वाला है, या तो इसमें से इसको देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, क्रॉस में 997 में से 8 को घटा दीजिए, या फिर 992 में से 3 को घटा दीजिए, कोई एक काम करना है आपको, आंसर आपका वही आएगा। इसमें से इसको भी घटाएंगे तो आंसर वही आएगा, या इसमें से इसको घटाएंगे तब भी आंसर वही आएगा, कोई एक काम करना है, जो आसान लगे, जो घटाना ज़्यादा आसान हो आप वो घटाइए। तो बताइए 997 में 8 घटाना ज़्यादा आसान है या 92 में 3, दोनों ही आसान है। तो 92 में अगर 3 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 989 आ गया आपका आंसर। देखिए 997 में भी 8 घटाएंगे तब भी 989 ही आता, तो कोई एक काम करना है आपको, जो आपको आसान लगे, जो घटाना ज़्यादा आसान हो। उम्मीद करते हैं ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। क्या किए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हज़ार से कितना कम है, 3 कम है, ये हज़ार से 8 कम है, जो कमी वाला पार्ट था उसको गुना कर दिए, उसके बाद क्रॉस में या 997 में 8 को घटा के यहाँ लिख दिए, या फिर 992 में 3 को घटा के यहाँ लिख दिए, कोई एक काम कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए 997 गुना 992 करके आंसर आता है कि नहीं, एक बार बस प्रैक्टिस में करवा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन से आपको, कि चलिए ये दोनों गुना करके दिखाइए, 996 को 991 कर देते हैं और यहाँ पे 988 कर देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये दोनों को गुना करके आप लोग दिखाएं, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से सॉल्व होगा, दो भाग में बांटने के बाद ये बताइए, दोनों हजार के करीब है, ये 1000 से कितना कम है, 9 कम है, ये 1000 से कितना कम है, 12 कम है, दोनों कम है, माइनस जरूर देंगे। अब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो जब गुना करते हैं तो साइन क्या होता है, प्लस के रूप में हो जाएगा, माइनस प्लस, 12 9 108। क्या यहाँ पे और 0 बैठाएं, नहीं ना, यहाँ हमें 3 ही नंबर चाहिए था, इसलिए यहाँ 0 नहीं बैठाएंगे, यहाँ पे 2 ही, जब गुना किए थे तो 2 ही संख्या आया था, इसलिए 10 बैठाना पड़ा, यहाँ पे जब गुना किए तो ऑलरेडी 3 रेडीमेड में हमको मिल गया ये 3 संख्या, तो ये दोनों को क्या किए, गुना कर दिए। अब क्रॉस में या इसमें से इसको घटा दीजिए, या इसमें से 91 में से 12 को घटा दीजिए, 991 में 12 घटाना ज़्यादा आसान है या 988 में 9 घटाना ज़्यादा आसान है, कोई भी बता सकता है। तो आइए इसमें से इसी को घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 979 आपका आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिनको समझ में आया है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़रा सा भी डाउट नहीं है कि जिनको समझ में आया है उनके ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इसको माइंड में कैसे किया जा सकता है, वो भी अप्रोच में बताऊँगा किस तरह से इसको और डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अगले लेक्चर में
अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से, इसमें से कौन कौन सा पार्ट देखेंगे हम लोग। ये तो मल्टीप्लाई करने का केस है। कौन सा केस मैंने बताया? जो 1000 से या 100 से कम हो या ज़्यादा हो उस केस में। और अगर 100 वाला भी मैंने नहीं बताया, 100 वाला भी इसी तरह से बनेगा। सिर्फ यहाँ पे 100 से अगर गुना करेंगे तो 3 संख्या नहीं, 2 ही संख्या चाहिए होगा। 10,000 वाला के करीब करेंगे तो यहाँ पे 4 संख्या चाहिए, दर से। वो भी खैर मैं बताऊँगा, एक बार प्रैक्टिस करवा दूंगा उसके लिए भी। तो लेकिन कम वाला मैंने बताया है, अब 1000 से ज़्यादा वाला एक बार बता देंगे, क्लियर है। और एक कम और एक ज़्यादा हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे माइंड में, ये कुछ पार्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग मास्टर ट्रिक में आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का मास्टर ट्रिक जो हर नंबर्स के लिए अप्लाई होता है। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। तब तक के लिए तो आज मैं यहीं पर आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।